फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, इससे आप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास, और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ब्रीक टेस्ट या ईट परीक्षण पे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं जो 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कराए हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए, तभी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास नंबर 36 है। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, रिवीजन सेशन चल रहा है, तो आप लोग पुराने मतलब कॉन्सेप्ट को देख के ही आगे के करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रही बात, लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर कितना कट ऑफ रहेगा ये सब चीज़, तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा अप्रॉक्सीमेट, जो मैं कट ऑफ डाल भी रहा हूँ बाकी, और फ्रेंड्स जो अप्रॉक्सीमेट मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं नियर अबाउट 40 के करीब, तो आप लोग ये मान के चलें कि आपका ALP के लिए कॉल आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो CBT 2 में फ़ेल हो गए हैं या बहुत कम मार्क्स हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बहुत से ऐसे रह जाएंगे जो फेल हो जाएंगे, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि 30% जो मार्क्स हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के काउंट होंगे मतलब फाइनल मेरिट में, तो अगर आपके मार्क्स इधर CBT 2A में कम आ रहे हैं तो आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी का फ्रेंड्स जो ब्रीक टेस्ट है, इस पर 2 लेक्चर हम लोगों ने पहले ले लिए हैं, उस पर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आपसे यही कहूँगा पहले वो वाले वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख के आता रहेगा, तो आप लोगों के लिए मतलब क्वेश्चन बनाने का मतलब डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना हमें करना भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बहुत स्पीड से करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम होगा इसके लिए वो होगा 10 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी कम टाइम है यहाँ पर, तो इसलिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ईंट का एक एक ढेर दिया होगा जिसमें 5-5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, ईंट का ढेर होगा, और ऐसे आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्पीड भी बहुत ज़रूरी है और साथ में एक्यूरेसी। और रही फ्रेंड्स एक्यूरेसी की बात, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोई गलत ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन करते हैं तो विद इन टाइम आप 45 के करीब अटैम्प्ट कर देंगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। और फ्रेंड आपका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन अगर कोई गलत हो गया तो वो हो सकता है, तो अच्छा मौका है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए और साइकोलॉजिकल टेस्ट में अच्छे नंबर लाके मेरिट में ऊपर जाइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये डिस्प्ले पे रहा। यहाँ पे हमें करना क्या है फ्रेंड्स कि नीचे लिख के आ रहा होगा कि ABCDE, तो हमें ये बताना है कि ए वाली ईंट है वो कितने से टच कर रही है, बी वाली कितने से कर रही है, और सी वाली कितने से कर रही है, DE। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि मतलब जो ईट होती है वो घनाभ के आकार की होती है, क्यूबॉइड की होती है, तो उसमें 6 फेसेस होते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर रहा है तो इसमें 6 फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें सारे फेस देखने होंगे कितने से टच कर रही है, यही एक तरीका है। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किस टाइप से टच कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हम क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ईंट का ढेर है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ए ईंट की, तो ए ईंट की क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, ए ईंट का इस साइड वाला जो मतलब इधर किसी से टच नहीं कर रही है, और नीचे फ्रेंड्स किसी से भी टच नहीं कर रही है। ऊपर देखें तो ए ईंट के एक ईंट रखी हुई है, और इसके बाद में राइट साइड में देखें फ्रेंड्स एक ईंट है और लेफ्ट साइड में एक ईंट है। तो फ्रेंड्स टोटल ए ईंटों में कितनी ईंटें हो गई, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक ऊपर, तो 3 हो गई। इस टाइप से हमें आंसर कर देना है इसका, 3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में देखते हैं बी ईंट, तो बी के राइट में फ्रेंड्स देखो कि एक ईंट है, और लेफ्ट में देखो एक ईंट है, और एक ईंट ऊपर है जो कि फ्लैट सी है, लेकिन टच तो एक ही है, तो एक और एक फ्रेंड्स नीचे है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सिंपल सा 4। अभी क्वेश्चन और भी डिफ़िकल्ट आएंगे तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मैं यही कहूँगा कि मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपने आंसर वीडियो को पॉज करके जैसी फ़ोटो आ जाए उसके बाद आप लिख लिया करिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना एक्यूरेसी के साथ किया। फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का होगा, और यहाँ पे मैं आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपको अच्छा मतलब यहाँ पे टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा प्रैक्टिस में। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा यहाँ पर, तो वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए।
क्वेश्चन नंबर मतलब इसी में देखते हैं सी ईंट किससे कर रही है। तो सी ईंट फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मतलब सी ईंट के इस साइड में एक ईंट है और नीचे को देखें फ्रेंड्स तो दो ईंटें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स डी ईंट। डी ईंट में क्या है फ्रेंड्स, एक ईंट ऊपर है और एक ईंट साइड में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कितनी टच कर रही है फ्रेंड्स, 2। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके बाद क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको अच्छा मतलब लगेगा क्वेश्चन करते हुए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब क्वेश्चन हार्ड आए, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस करनी है और एक्यूरेसी के साथ 42% हर एक टेस्ट बैटरी में लाना ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ई ईंट। तो ई ईंट किससे टच कर रही फ्रेंड्स, देखो एक ऊपर है जो कि सी है और इसके राइट साइड में एक है और एक नीचे है, तो फ्रेंड्स टोटल मिला के यहाँ पर हो गई 3। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जो मतलब इसका तीसरा पार्ट था उपखंड 3 उसका हो गया। तो फ्रेंड्स दो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 उपखंड डिस्कस किए थे और उससे पहले की क्लास में किए थे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन के लेवल वैसे वैसे टिपिकल आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फोर्थ में फ्रेंड्स क्या है। फोर्थ में भी सेम है, ABCDE ईंटों का देखना है। डायग्राम आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इसमें हमें बताना है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से देख लें और अपने आंसर्स लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से प्रैक्टिस बार से मतलब बार बार करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ईंट की क्या कंडीशन है। तो ए ईंट फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऊपर कर रही है बी से टच और साइड में एक ईंट है और इस साइड में जो देखेंगे राइट साइड में उस साइड में दो ईंटें हैं सी और ई। तो फ्रेंड्स राइट साइड में 2, लेफ्ट में 1 और ऊपर 1 है और नीचे 1 है। तो फ्रेंड्स टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई यहाँ पे हमारी 5। चलिए फ्रेंड्स अब बता दो कि बी कितने से कर रही है। तो बी के लिए फ्रेंड्स देखें ऊपर 1 ईंट है और राइट में 1 ईंट है, लेफ्ट में 1 है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे देखिए क्या 1 ईंट है या 2 है। तो नीचे फ्रेंड्स देखो 2 ईंटें हैं, एक तो ए वाली है और एक सी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कितनी हो गई, ए और सी, राइट में 1 हो गई, लेफ्ट में 1 हो गई, ऊपर 1 हो गई। तो टोटल फ्रेंड्स कितनी होगी यहाँ पे, 5, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं सी ईंट। सी ईंट का आप देखिए सी ईंट ऊपर कितने से टच कर रही है। ऊपर 2 से कर रही है फ्रेंड्स और पीछे की साइड कर रही है ए से और नीचे कर रही है ई से। तो फ्रेंड्स टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डी। डी ईंट क्या है, डी ईंट ऊपर तो किसी से कर नहीं रही, राइट लेफ्ट भी नहीं कर रही, बस ऊपर रखी हुई है तो वो नीचे से ही करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे ये 2 ईंटों से टच कर रही है, आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब बात कर लेते हैं ई ईंट की। तो ई ईंट को फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ऊपर सी से टच कर रही है और पीछे ए से टच कर रही है और नीचे एक ईंट से कर रही है। तो टोटल ईंट हो जाएंगी 3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे 2 उपखंड इसके हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5th और 6th। तो यहाँ पे मैं रफ़ कर देता हूँ और डायग्राम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखिए 5th और 6th की क्या मतलब आंसर्स होंगे, 5th और 6th। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको मतलब एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब मिस्टेक कर दें, तो भाई मिस्टेक हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी है फ्रेंड्स। स्कोरिंग्स इसमें हमें मतलब स्कोरिंग टॉपिक है ये, तो हमें यहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं हम फ्रेंड्स। यहाँ पे ए ईंट को देख सकते हैं, ए ईंट ऊपर 1 से टच कर रही है और राइट साइड में 1 से कर रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में 1 से कर रही है और राइट साइड में देखें फ्रेंड्स 2 ईंटों से टच कर रही है, जो ऐसे खड़ी खड़ी 2 ईंटें हैं, इनसे दोनों से टच कर रही है मतलब ई और डी से कर रही है फ्रेंड्स। तो ई और डी से राइट में, लेफ्ट में, बी से, ऊपर 1 से और नीचे 1 से। तो टोटल कितनी होगी फ्रेंड्स, 5 ईंटों से टच कर रही है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बी। बी ईंट देखते हैं फ्रेंड्स, तो बी ईंट नीचे 1 से कर रही है और राइट में ए से कर रही है और ऊपर किससे कर रही है फ्रेंड, 1 से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं सी ईंट को। तो सी ईंट बहुत अच्छा मतलब ये मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप इसका खुद आंसर बताएं, अच्छा मतलब ये गलत हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सी ईंट की फ्रेंड्स बात करेंगे। तो सी ईंट देखो अंदर की तरफ ऐसे है, इस साइड में तो एक ईंट है उसके पास में, लेकिन ऊपर कितनी ईंटें रखी हैं सी के वो देखिए। एक ईंट ऐसे रखी है, फिर एक ऐसी रखी है, फिर एक फ्लैट रखी है, 3 ईंटें तो ऊपर रखी हैं और एक इस साइड से रखी है। तो फ्रेंड्स टोटल कितनी हो गई, 4। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे बहुत आएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डी। डी में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ऊपर एक ईंट है
नीचे। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर वीडियो को पॉज करके बताएं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या ऊपर एक ईंट है, राइट में एक ईंट है और लेफ्ट में दो ईंटें हैं, और नीचे फ्रेंड्स देखेंगे तो नीचे क्या एक ईंट है या दो है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि क्या है इसमें, कि इस टाइप से ये ईंट है और नीचे ऐसे और ऐसे दो ईंटें यहाँ पे हैं। देखो सी ईंट जो है वो भी डी के नीचे आएगी, क्योंकि ये ईंट अंदर तक गई है आर पार तक, ठीक है। तो डी ईंट के नीचे हो जाएंगी दो ईंटें, राइट में एक हो जाएगी, लेफ्ट में दो हो जाएंगी और ऊपर हो जाएगी एक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 6। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन टिपिकल हो, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, लाइटली नहीं लेना है इसे बिल्कुल भी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ई। ई में क्या फ्रेंड्स, ई बीच में ईंट खड़ी हुई है, इस साइड में एक है, उस साइड में दो हैं, और नीचे देखा जाए तो एक है। सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ के, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन इसमें सही हो गए होंगे। इसके बाद इसी को सिक्स्थ बनाते हैं, आंसर्स आप देख लें यहाँ से। अब सिक्स्थ का फ्रेंड्स करते हैं, सिक्स्थ के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम टिपिकल लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सारे फेसेस हमें देखने हैं, जो छः फेसेस हैं, मतलब उसकी जो, जैसे कि मैंने बताई ये छः फेसेस हैं, तो इन फेसेस को देखना है कि जो मतलब टच नहीं कर रही हैं, उसके अलावा जो टच कर रही हैं उन चीज़ों को देखना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ए ईंट। तो ए ईंट के बारे में क्या आप देख सकते हैं कि राइट साइड में दो ईंटों से टच कर रही है, लेफ्ट में एक से कर रही है, और ऊपर एक से कर रही है, नीचे एक से कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल मिला के होगी 5। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में बी ईंट के बारे में देखते हैं। तो बी ईंट क्या फ्रेंड्स, राइट में एक से कर रही है और ऊपर फ्रेंड्स एक से कर रही है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं सी ईंट। सी ईंट ऊपर रखी हुई है तो जाहिर सी बात है नीचे ही टच करेगी, तो नीचे कितने से टच कर रही है, क्लियर इसमें दिख रहा है कि नीचे कर रही है दो ईंटों से टच। अब देखते हैं डी ईंट के बारे में। तो डी ईंट फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी ऊपर एक से टच कर रही है, नीचे कर रही है, एक साइड में ईंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल 3 हो जाएंगे, सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स ई ईंट। तो ई ईंट आप देखिए कि नीचे एक से टच कर रही है, राइट में डी से, लेफ्ट में फ्रेंड्स देखें तो ए और ए के नीचे वाली ईंट से टच कर रही है, तो राइट में लेफ्ट में दो से हो जाएगी, राइट में एक से हो जाएगी, और नीचे एक से हो जाएगी, और ऊपर एक से हो जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे फ्रेंड्स 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन बड़ी आसानी से ये कर लिए, बाकी का मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे इसमें, मतलब अगली बार के जो टॉपिक होगा उसमें अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे, मतलब थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन, मतलब जो छांट छांट के जो टिपिकल होंगे वही कराएंगे, और बाकी की मैं PDF डालता रहूँगा। आप लोग हमें आप लोग टेलीग्राम पे हम लोगों को मतलब ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डायनेमिक नॉलेज गुरु नाम से सर्च करके, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ पे PDF की बुक भी डाली हुई है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने कैसे कैसे आंसर्स कितने कितने आपके मतलब क्वेश्चन सही हुए वो भी बताएं, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और प्रैक्टिस करते रहें।